हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जो बिगिनर्स होते हैं वो लोग जो सिलाई की प्रैक्टिस होती है वो कैसे करें, या फिर जिन्होंने मशीन पहली बार उठा रहे हैं जिनको चलानी भी नहीं आती। तो आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक मेरा जो मकसद है ये वीडियो बनाने का वो ये भी है कि कई कमेंट मुझे इस तरीके के आते हैं कि मैम, जैसी सिलाई में आपकी अच्छी फिनिशिंग आती है वैसी हमारी नहीं आती। तो उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि जो आपकी सिलाई है वो सही नहीं है, या तो आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करी है। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई डिज़ाइन देखते हैं तो वो हमें समझ में तो बहुत अच्छे से आ जाता है, एकदम दिमाग में भी हमें अच्छे से आ जाता है। फिर जैसे ही हम सिलाई करने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, क्योंकि हमारी जो सिलाई है और जो नेक हम बनाते हैं उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। तो वो इसी कारण से होता है कि आपकी जो सिलाई की प्रैक्टिस है वो अच्छी नहीं है। तो इसी टॉपिक में बताने वाली हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, एक तो उनके लिए भी है जो लोग मशीन चलाते हैं, उनके लिए भी है ये वीडियो, और एक जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी मशीन भी नहीं चलाई है और सोचा है कि हम सिलाई सीखेंगे, तो उनके लिए भी है ये वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमें अगर आपके घर में मशीन है तो आपको बेसिक तो पता ही होंगे, जैसे कि इसमें जो नीचे बॉबिन रहती है उसमें धागा भरना और ऊपर से जो सुई में धागा डालना, ये तो पता ही होता है। और जो मशीन की सिलाई की प्रैक्टिस है वो आपको कैसे करनी है, देखिए आप पहले कोई भी पेपर ले, मैंने तो ये इस तरीके का पेपर लिया है, बट आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऊपर धागा नहीं डाला है, नीचे बॉबिन में है उसका हमारा कोई काम नहीं है अभी, और ऊपर भी मैंने धागा नहीं डाला है। तो आपको अभी खाली ही मशीन चलानी है और इस तरीके से आपको सिलाई की प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि मशीन चलाने की प्रैक्टिस। तो इस तरीके से तो फ्रेंड्स, बिना धागे के आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है पेपर पे, आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। और आपको इसे क्या करना है, आपको इसे पूरा भरना है इस तरीके से, सिलाई करते करते आपको पूरा भर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपको मशीन चलानी आ जाएगी, और आपको कम से कम यही वाली चीज़ एक घंटा प्रैक्टिस करनी है दिन में एक बार, और आपको तीन चार दिन ऐसे करना है इस पे। जब आपको इस पे अच्छे से मशीन चलाना आ जाए फिर आपको क्या करना है, अभी इसका मेरे को बताने का कोई मतलब नहीं कि पूरा भर दो, आपको पूरा भर के बताऊं, तो इसको हटा देती हूँ मैं। जब आपको ये करते करते तीन चार दिन हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से रफ़ कपड़ा लेना है और उसमें अब जो हम मशीन में धागा डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें धागा डाल लिया है और मैचिंग का धागा नहीं है कपड़े से, ताकि आपको जो है अच्छे से दिख पाए। और आप भी जब प्रैक्टिस करें तो ज़रूरी नहीं कि आप मैचिंग का धागा लें। तो ये मैंने इस तरीके से कपड़ा लिया है, अब हम कपड़े पे जो है इसको चलाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है, आप ऐसा ना सोचें कि मैं तो आपको देख नहीं रही हूँ और आप प्रैक्टिस ना करें। तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, और जो बात मैं बोल रही हूँ फिनिशिंग की वो इसी से आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं तो इस तरीके से अभी सिलाई लगा रही हूँ बिना कोई निशान लगाए, बट आप क्या कर सकते हैं, आप जब इस तरीके की सिलाई लगा रही हैं तो आप स्केल से लाइन बना लें, पेन से या फिर पेंसिल से या फिर चौक से भी बना सकते हैं, और उस पे आप सिलाई लगाने की प्रैक्टिस करें। उससे एक काम ये भी होगा कि जो आपकी सिलाई है सीधी, जो सिलाई सीधी आती है उस चीज़ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने तो जब आपकी पेपर पे प्रैक्टिस हो जाए, तीन चार दिन आपकी पेपर पे प्रैक्टिस चली एक एक घंटा, अब आपको क्या करना है, तीन चार दिन आपको इस तरीके से सिलाई की प्रैक्टिस करनी है, कोई भी रफ कपड़ा लेना है और उस पे आपको तीन चार दिन ये भी लगाना है, इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है। जब आपको ऐसा लगे कि मैं इसमें माहिर हो गई हूँ इस तरीके की सिलाई लगाने में, फिर आप क्या करें, आप इस तरीके से कपड़ा लें रफ कोई भी,
और इसके ऊपर आप एक पहला ये एक इस तरीके से फोल्ड करा और आपने सिलाई लगा दी। और फ्रेंड्स एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जब हम सिलाई सीखने लगते हैं तो एकदम से हमें हड़बड़ाहट सी आ जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हम जल्दी से कर लें। तो फ्रेंड्स अगर आप शुरू से ही तसल्ली पकड़ के चलेंगे और उस काम को एकदम बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे और आपकी जो सिलाई है वो भी बहुत अच्छी होगी। तो इस तरीके से आपने एक बार सिर्फ एक बार सिंगल फोल्ड किया और इस तरीके से आपने सिलाई लगाई। मैं तो अभी आपको क्या है कि थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ पर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कई दिनों तक। जैसे कि मैं बताती जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको तीन तीन चार चार दिन लगाने हैं हर स्टेप में। तो जब आपको लगे कि ये इस तरीके से मैं ये फोल्ड भी अच्छे से कर लेती हूँ एक बराबर और इस पर सिलाई भी मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, फिर आप क्या करें, फिर आप इसको जैसे हम एक बार मैंने फोल्ड किया अब दो बार इसको फोल्ड करके और अब आप किनारी पे सिलाई लगाने की कोशिश करें, इसके किनारी पे सिलाई लगाने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ और आप समझ भी जाएंगे। तो आप इस तरीके से किनारी पे सिलाई लगाने की कोशिश करें कुछ दिन तक, फिर आपको ये काम करना है। फिर जब आप इसमें भी एक्सपर्ट हो जाएं फिर आप क्या करें, फिर आप जैसे अब दोनों एक साथ फोल्ड करने की कोशिश करें, ये फोल्ड किया फिर ये फोल्ड किया इस तरीके से और थोड़ा छोटा फोल्ड करना है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है थोड़े दिनों तक, फिर जब आप इसमें भी माहिर हो जाएं करने में फिर आप कोशिश करें कि और थोड़ा छोटा फोल्ड करने की कोशिश करें। उसके बाद जब आप इसमें सब सीधी सिलाई में माहिर हो जाएं तो फिर आपको क्या करना है, अब हम कर्व जो है सिलाई सीखेंगे। तो फ्रेंड्स जब आप सीधी सिलाइयों में माहिर हो जाएं तो आपको इस तरीके से लहर पे सिलाई की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने ये 1.5 इंच की चौड़ाई छोड़ते हुए ये लाइन खींची है और यहाँ पे भी 1.5 इंच की गैपिंग छोड़ते हुए इस तरफ भी और इस तरफ भी निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से इस निशान पे मिलाया और यहाँ पे इस निशान से मिलाया और यहाँ पे इस निशान से, तो इस तरीके से हमारा एक एक निशान छूटेगा और इस तरीके से ये डिज़ाइन बनेगा। तो अब आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो आपको कुछ दिनों तक इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है और जब आपको लगे कि अब मैं इसमें भी माहिर हो गई हूँ और अब अच्छी फिनिशिंग आने लग गई है इसमें, तो अब आप क्या करें, ये मैंने बड़ा लिया था, आप फिर और छोटा करते जाएं इसको और छोटे छोटे पे इस तरीके से लहरिया डिज़ाइन बनाते जाएं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें तो आपकी भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, आप चाहे नेक बनाए चाहे कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं आप। हमसे बस यही गलती हो जाती है कि हम सिलाई की प्रैक्टिस नहीं करते और सीधा कोई डिज़ाइन बनाने लग जाते हैं तो उसमें हमसे इतनी फिनिशिंग नहीं आती। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।